जब हम करोड़पति थे तो आप लोग काहे नहीं आते थे? सर बताइए ना, दिन भर हमको इंटरव्यू से गुजरना कमाल होता है, लेकिन हमको खून जल मरते मरते बचे हैं। तो भाई का करंट लगा और हम हमारा तबियत हम बीमार पड़ जाएंगे, कुछ हो जाएगा तो आप लोग हम सटने भी नहीं आएंगे। और वादी जब इंटरव्यू नहीं दिए तो नेगेटिव आप लोग से निकल या तो सही का बुरा मत मानेगा सर। एक मिनट, लिखा हुआ है का कि चाचा उसके उसको ITI में नहीं घुसने देते, अब काहे घुसने देते? तो हम आप ही लोग से पूछते हैं, पहले आप लोग काहे नहीं आते थे? अब पहले आप लोग काहे नहीं आते थे? नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया का सनसनी बना बिहार का सोनू कुमार इन दिनों बहुत परेशान है। यूं तो पहले भी रो पड़ा था क्योंकि मीडिया का इतना जमावड़ा लग रहा था कि वो तंग आ चुका था। इसी बीच दो हादसे हो गए, उसकी तबीयत खराब हुई और भाई को करंट लग गया। मीडिया को चाहिए इंटरव्यू, हर हाल में उसे चाहिए ही चाहिए। और यदि सोनू मना करता है तो उसका कहना है कि फिर निगेटिव खबरें चलाई जाने लगती हैं। अब इस कदर परेशान हुआ कह रहा है कि यदि हम ये काम नहीं करते तो आप भी हमें नहीं पूछते, और क्या करें हम इंटरव्यू के चक्कर में बीमार पड़ जाए या खतरा मोल लें। देखिए कैसे वो मीडिया से खफा है और अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है, जरा सुनिए सोनू को। जब हम करोड़पति थे तो आप लोग काहे नहीं आते थे? सर बताइए ना, दिन भर हमको इंटरव्यू से गुजरना कमाल होता है, लेकिन हमको खून जल मरते मरते बचे हैं। तो भाई का करंट लगा और हम हमारा तबियत हम बीमार पड़ जाएंगे, कुछ हो जाएगा तो आप लोग हम सटने भी नहीं आएंगे। और वादी जब इंटरव्यू नहीं दिए तो नेगेटिव आप लोग से निकल या तो सही का बुरा मत मानेगा सर। एक मिनट, लिखा हुआ है का कि चाचा उसके उसको ITI में नहीं घुसने देते, अब काहे घुसने देते? तो हम आप ही लोग से पूछते हैं, पहले आप लोग काहे नहीं आते थे? अब पहले आप लोग काहे नहीं आते थे? उस समय भी आप लोग हमको आराम से रहने दीजिए, जानते हैं कि कितना कल तो मरते मरते बचे हैं। तो भाई का करंट लगा और हम हमारा तबियत खराब हो। और वादी जब इंटरव्यू नहीं दिए तो नेगेटिव आप लोग कर दीजिए। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप लोग का तो कमाई होता है, लेकिन हमको खून जलता है, समझे ना? और हम बीमार पड़ जाएंगे, कुछ हो जाएगा तो आप लोग फिर सटने भी नहीं आइएगा। नहीं, हम बीमार नहीं पड़ जाएंगे। यस, लेकिन सर बताइए ना, दिन भर हमको इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है, और नहीं जरसा हमको खाना भी खाने तक नहीं मिलता। जैसा कि आपने सुना, आरके सिन्हा के घर पे बैठा हुआ है। आरके सिन्हा ने उसे बुलाया था, देहरादून में उनका इंडियन पब्लिक स्कूल है, 6 लाख फीस है, उसमें एडमिशन का उन्होंने प्रस्ताव दिया है। सोनू ने कहा है कि विचार विमर्श करके बताएंगे। इस दौरान जब घेरा मीडिया वालों ने उसे तो वो फट पड़ा। दरअसल है क्या कि जब भी कोई आगे बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से गाँव हो, कस्बा हो, शहर हो, दो तरह की बातें होने लगती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। वही सोनू के साथ भी हो रहा है। अब बात ये निकल करके आ रही है कि सोनू का जो चाचा मुड़ करके कभी सोनू या सोनू के परिवार की तरफ देखता नहीं था। चाचा का परिवार संपन्न था, ITI कॉलेज है, खेत है और बहुत कुछ, जबकि सोनू का परिवार गरीब है, तो कभी नहीं देखा मुड़ के। लेकिन जैसे ही 14 मई को कल्याण बिघा गाँव यानी कि नीतीश कुमार के गाँव में सोनू जाकर के उनसे मिलने में कामयाब हो गया, सोशल मीडिया सनसनी बन गया, उसके बाद से चाचा अचानक अपने हो गए, गले लगा लिया। और कहा तो ये भी जा रहा है कि अब सोनू की जो स्क्रिप्ट है वो चाचा ही लिख रहा है, क्योंकि चाचा के बिना वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जो कुछ भी आता है प्रस्ताव आता है कि चाचा से डिस्कस करेंगे, चाचा भी अब इंटरव्यू देने लगे हैं। हकीकत क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन ये बात सही है कि अचानक चाचा सोनू के साथ दिखने लगे हैं। गाँव के लोग भी यही कह रहे हैं, कई यूट्यूबर्स ने जा करके गाँव के लोगों से बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की, सबने यही कहा कि चाचा के पास खेत है, ITI कॉलेज है और इसको वो कुछ नहीं समझते थे, और आज वही गले लगाए बैठे हैं क्योंकि सोनू काफ़ी फेमस हो गया है। और इसी में क्या हुआ कि भाई जब इतनी मीडिया की भीड़ जुटेगी, खासतौर से यूट्यूबर्स की, तो स्वाभाविक रूप से यदि 10 तारीफ करेंगे तो कुछ बुराई भी करेंगे। उसी में खोज लिया कि चाचा करोड़पति है और सोनू कुमार ये सब किस लिए कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। उससे भी सोनू काफ़ी आहत हुआ है, कह रहा है कि इंटरव्यू नहीं दिए इसलिए जो है निगेटिव नैरेटिव बना करके
चलाने लगे। खैर हकीकत कुछ भी हो वो मीडिया से भी परेशान है। जब मीडिया उसे ये कहने की कोशिश करती है कि यहाँ तक आपको किसने पहुँचाया या यहाँ तक मीडिया की बदौलत पहुँचे हैं, तो कह रहा है सोनू कि ये तो आपकी बात सही है कि आपने यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन क्या करें मीडिया के चक्कर में बीमार हो जाए, क्या करें मीडिया के चक्कर में सोए नहीं, सिर्फ आपको इंटरव्यू ही देते रहे। होता है जब आप लाइमलाइट में आते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन असल जो सवाल है सोनू का एडमिशन हुआ या नहीं, तो अभी जिस वक्त तक ये वीडियो बना रहे हैं सोनू का एडमिशन नहीं हुआ है। प्रस्ताव बहुत सारे आए हैं लेकिन सोनू ने उसे स्वीकार नहीं किया है। उसे तो दो स्कूल में एडमिशन लेना है, आवासीय विद्यालय में या फिर सैनिक स्कूल में। उससे अभी वो टस से मस नहीं हो रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। रहिए न बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।